पहाड़गढ़ पुलिस स्टेशन के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। राजेंद्र पाल गौतम यहां पर आने वाले हैं और ये देखिए आप देख सकते हैं कार से यहां पर आप पहुंचे हैं, मीडिया कर्मियों से बात कर रहे हैं। हम पहुंचते हैं वहां तक, देखते हैं क्या वजह है, जो आखिर जो पूरा मामला है बौद्ध धर्म दीक्षा समारोह से ये मामला उठा और उसके बाद से अब जो है पुलिस स्टेशन इनको बुलाया गया है, क्या पूछताछ की जाएगी इसके बारे में देखते हैं राजेंद्र पाल गौतम जो क्या कुछ कह पाते हैं। अरे यार बाहर निकलने दो ना। तो दिल्ली में बौद्ध धर्म दीक्षा जो 22 प्रतिज्ञाएं थी वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और उसके बाद से राजेंद्र पाल गौतम ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद अब जो है पुलिस स्टेशन पहाड़गंज पुलिस स्टेशन में ये आए हैं। ये देख सकते हैं आप गाड़ी राजेंद्र पाल गौतम की पुलिस स्टेशन की तरफ जाती हुई। ये पहाड़गंज पुलिस स्टेशन है जहां पर पुलिस ने यहां पूछताछ के लिए इन्हें बुलाया है। कुछ हाथ में डॉक्यूमेंट्स भी हैं इनके और डॉक्यूमेंट साथ लेकर के आए हैं। किस तरह की पूछताछ रहने वाली है ये आने वाला वक्त तो बताएगा। तो आप देख सकते हैं कि 5 तारीख को दिल्ली में 22 प्रतिज्ञाएं बौद्ध धर्म दीक्षा समारोह में दिलवाई गई थी जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ था और उसके बाद से राजेंद्र पाल गौतम ने इस्तीफा दिया दबाव के बाद और अब यहां पर पुलिस स्टेशन आए हैं, पूछताछ के लिए इनको बुलाया गया है। ये गाड़ी राजेंद्र पाल गौतम की इस पूरी प्रतिज्ञाओं को लेकर ये आरोप लग रहे हैं कि हिंदू देवी देवताओं का जो है वो अपमान किया गया है, उसी को लेकर देखिए यहाँ पर राजेंद्र पाल गौतम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो देखिए आप बड़ी संख्या में यहाँ पर मीडिया कर्मी है जिसकी वजह से बाइट नहीं ले पाए हैं और यहाँ पर हाथ में उनके कुछ कागजात भी थे जिनको लेकर वो अंदर गए हैं, पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है। जिस तरह के आरोप लगे हैं अब देखते हैं कि बाहर आकर के राजेंद्र पाल गौतम क्या कुछ कहते हैं। तो ये पुलिस स्टेशन पहाड़गंज यहाँ पर राजेंद्र पाल गौतम अंदर गए हैं, पुलिस किस तरह की पूछताछ करती है ये बाहर आने के बाद राजेंद्र पाल गौतम बताएंगे। तो आपको बता दें कि किस तरह से राजेंद्र पाल गौतम का वो वीडियो जो दीक्षा समारोह का बाहर आया था उसको लेकर पूछताछ के लिए बुलाया गया है, लेकिन आपको याद होगा कि अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के सांसद का भी वीडियो एक वायरल हुआ है जो कि वो संपूर्ण बहिष्कार की बात करते हुए नजर आए हैं, लेकिन उसको लेकर अभी भी कोई जो हमारे मीडियाकर्मी हैं उन्होंने भी नहीं दिखाया है और उस पर कोई बात नहीं की जा रही है।